नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं मुरादाबाद महानगर की सुर्खियों पर। राधा कृष्ण सेवा ट्रस्ट द्वारा दीनदयाल नगर स्थित नेहरू युवा केंद्र में 10 नवंबर बुधवार से 16 नवंबर मंगलवार तक श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। मानस मर्मज्ञ पूज्य श्री अतुल कृष्ण व्यास जी के श्रीमुख से श्रद्धालु श्री राम कथा का आनंद उठाएंगे। इसी क्रम में आज नेहरू युवा केंद्र में भूमि पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अधिकारी श्री शैलेंद्र सिंह व मेयर विनोद अग्रवाल, श्री ललित कौशिक एडवोकेट व भाजपा महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा सहित भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस आयोजन में शिरकत की, भूमि पूजन एवं हवन में भाग लिया। राधे कृष्ण सेवा समिति MDA की संस्था है, जिसके अंतर्गत दिनांक 10 नवंबर से भव्य श्री राम कथा का आयोजन यहाँ पे नेहरू युवा केंद्र साईं मंदिर के बराबर में प्रारंभ होने वाला है। आज सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र के जिला कलेक्ट्रेट पर शिवसेना से जुड़े दर्जनों कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने आज जबरदस्त प्रदर्शन किया। ज्ञापन जिला अधिकारी व SP को सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि सदर कोतवाली में दर्ज फर्जी मुकदमों को तुरंत वापस लिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने एक मांग और भी की है कि अशोक जाधव पर इस जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें रिपोर्ट दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया जाए। जानकारी देते हुए रामेश्वर दयाल तुरेहा ने बताया, आज शिव सैनिक जिलाधिकारी SSP कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी SSP महोदय को प्रेषित ज्ञापन में थाना कोतवाली में दर्ज फर्जी मुकदमा अपराध संख्या 137/2021 धारा 323, 324, 504, 506 अनुसूचित जाति अधिनियम को तत्काल निरस्त करने की मांग करते हैं तथा अशोक यादव पर हमला करने वाले सचिन दिवाकर व उसके साथियों के विरुद्ध तत्काल रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग करते हैं। शहर मुरादाबाद में आपको कई स्थानों पर ऐसे वाहन चलते दिखाई देंगे जिनका ना तो कोई रजिस्ट्रेशन होगा और ना ही कोई नंबर, लेकिन शहर में जाम तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ में प्रदूषण भी भरपूर कर रहे हैं। जुगाड़ से बने ठेले को देखें, इससे निकलता हुआ धुआं आपको और हमारे स्वास्थ्य को कितना खराब कर सकता है, शायद इसका अंदाजा हमें अभी नहीं होगा। इस पर संबंधित अधिकारी व विभाग को इन लोगों पर ध्यान देना चाहिए। आज सिविल लाइन्स स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के किसान नौजवान पाल बघेल धनगर समाजवादी जन संदेश यात्रा मुरादाबाद में लेकर आए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर लाखन सिंह पाल, उनके साथ पूर्व मंत्री श्रीमती जानकी पाली मौजूद थी। सबसे पहले सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा मुख्य अतिथियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में सपा सांसद डॉक्टर ST हसन, पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी, सपा जिला अध्यक्ष DP यादव, महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू, संभावित प्रत्याशी डॉक्टर इकराम अंसारी, लुकमान खां, जयवीर सिंह यादव, नाग भारती, हसीन जमाल, कामिल मंसूरी, मुदस्सिर खान, बड़ी तादाद में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस की महिला इकाई की महानगर अध्यक्ष माहिरा खान उर्फ महक वारसी की कल रविवार को थाना मुगलपुरा पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के कुछ समय बाद ही कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी के साथ उनका फोटो वायरल कर दिया गया है। इसमें वो कांग्रेस नेता का स्वागत करते हुए गुलदस्ता भेंट कर रही है। खुद कांग्रेस नेता भी इस फोटो को आगे बढ़ा रहे हैं, साथ ही जेल भेजे जाने का फोटो भी वायरल किया गया। इमरान प्रतापगढ़ी मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं। रिपोर्ट द्वारा कोर्ट के मुकदमे में सोनकपुर स्टेडियम में युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा मंडल स्तरीय खुली ग्रामीण खेलकूद चयन प्रतियोगिता आयोजित की गई है। 2 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला युवा कल्याण अधिकारी नरेश कुमार चौहान द्वारा खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर लिया गया। इस प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागी जोनल स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। आज ये हमारे युवा कल्याण विभाग की ओर से मंडल स्तरीय खुली ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जैसा कि आपको विदिति है, अभी जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं सभी जनपदों में मंडल के सभी जनपदों में हो चुकी हैं और उनसे जो खिलाड़ी विधावार चयन हुए हैं वो सभी खिलाड़ी आज मंडल लेवल की इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं।
मुरादाबाद में सोमवार को कोरोना टीकाकरण अभियान में एक बार फिर तेजी आ गई। पिछले हफ्ते के फेस्टिवल ब्रेक के बाद कोरोना का टीका लगवाने के लिए लोग ज्यादा संख्या में केंद्र पर पहुंचे। वहीं पिछले हफ्ते की तुलना में 4 गुना अधिक टीकाकरण केंद्रों पर टीके लगाए गए। पिछले हफ्ते जिले में 50 से भी कम केंद्रों पर टीकाकरण किया गया, जबकि सोमवार को टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 200 से अधिक कर दी गई। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर दीपक वर्मा ने बताया कि इस पूरे हफ्ते सभी दिनों में मेगा अभियान की तर्ज पर टीकाकरण किया जाएगा। प्रतिदिन 25,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित करके केंद्र तय किए जाएंगे। त्योहार की लंबी छुट्टी के बाद आज सोमवार को बैंक खुल गए। सरकारी और प्राइवेट सभी बैंकों में आज ग्राहकों की संख्या अधिक रही। कुछ बैंकों में ग्राहक बैंक का समय शुरू होने से पहले ही पहुंच गए। गेट पर काफी संख्या में ग्राहक नजर आए। बैंक खुलने के बाद बाहर गेट से लेकर अंदर काउंटर तक ग्राहकों की लंबी लाइन नजर आई। इससे पहले बुधवार को बैंक खुले थे। गुरुवार से शनिवार तक बैंकों में दिवाली की छुट्टी थी, जबकि अगले दिन रविवार के चलते सोमवार को ही बैंक खुल सके, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग अपना पेंडिंग काम निपटाने के लिए बैंक पहुँचे। कई दिनों से सेहतमंद हवा के लिए तरस रहे मुरादाबाद के लोगों को सोमवार को भी कोई राहत नहीं मिली। सुबह के समय मुरादाबाद की हवा काफी जहरीली बनी रही। सुबह के समय यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 359 दर्ज की गई। मुरादाबाद वायु प्रदूषण के लाल घेरे यानी रेड जोन में बना रहा। सुबह के समय धूप निकलने से पहले लोगों ने हवा की गुणवत्ता काफी खराब होने का एहसास किया। सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले लोगों ने ऐसी हवा में सेहत भरी लंबी सांस लेने में दिक्कत महसूस की। आज सोमवार को अस्पतालों की ओपीडी मरीजों से खचाखच भर गई। एक हफ्ते के बाद अस्पतालों में डॉक्टरों को दिखाने के लिए मरीजों की भारी भीड़ उमड़ी। दरअसल पिछले हफ्ते दिवाली त्योहार के चलते अस्पतालों की ओपीडी का दायरा कुछ घट गया था। आज जिला अस्पताल में भारी संख्या में मरीजों ने पर्चा बनवाकर डॉक्टर को दिखाया और दवा ली। निजी अस्पतालों की ओपीडी में भी मरीजों की भारी भीड़ रही। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।